और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मुख्यमंत्री आवास, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस वार्ता चल रही है। ऐसा नहीं उसके वो श्रेय अलग मिल जाए उसको। जनता बहुत समझती है कि ये इनका कर्तव्य है, हमने इनको चुन के भेजा है, तो ये इन्होंने कार्रवाई हमारे लिए की है। वोट देने के अंदर माइंड बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बंदिशें हो गई देश के अंदर कि कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी एक होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट का, जिससे कि सरकार या किसी पार्टी की सरकार बनते ही पार्लियामेंट चुनाव, फिर पंचायत चुनाव, फिर नगर निगम में चुनाव एक बार या दो फेज में, उसके चक्कर में आप जो है गवर्नेंस नहीं कर पाते और लोगों में धारणा बनती है कि सरकार को हमने उम्मीद से बदला, सरकार नहीं आई और कुछ काम नहीं कर पा रही। ये खाली बात कोई कांग्रेस शासन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार किसी पार्टी की हो, ये दुविधा आज बनी हुई है राजस्थान में भी अन्य राज्यों में। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कुछ विचार करना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति कहीं दौरे कर रहा है तो मन में एक संवेदना, जो संवेदना की भावना रहती है, उसे बड़ा दुख भी होता है कि अपन चाहते हुए भी क्यों नहीं कुछ कर पा रहे। ये स्थिति आज है, मुख्य रूप से मुझे आपको याद करने का वही मकसद था। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को हनुमान जी की तरह शक्ति याद दिलानी पड़ रही है निर्वाचन आयोग को। दूसरा, प्रधानमंत्री ने तो गुजरात के लिए घोषणा कर दी है 2 लाख रुपए मुआवजे की, जो 4 मृतक मरे और 50,000 रूपये आर्थिक सहायता की। इसी प्रधानमंत्री जी का रवैया मेरी तो समझ में आया नहीं 5 साल में। अगर बाढ़ बहुत भयंकर आई थी गुजरात के अंदर, राजस्थान के जालौर जिले के अंदर, शिविर के पार्ट के अंदर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर घूमता है, उड़ता है, गुजरात की सीमा तक जाता है, ये पहला उन्होंने देखा है कि इसमें आप भेदभाव करो। अगर 3 मिनट लगते हैं उनको अंदर घुसने में राजस्थान की सीमा में, अगर वो जब हवाई संरक्षण किया तो गुजरात के साथ में अगर वो जालौर शिविर की तरफ कर लेते तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता सरकार का, राजस्थान सरकार की, तो उन्हीं की सरकार थी कि प्रधानमंत्री जी ने हवाई संरक्षण राजस्थान में भी किया है, वहां पे भी उनका दिल नहीं पसीजा और वो अंदर नहीं आए। जबकि राहुल गांधी जी ने दौरा बनाया तो वो राजस्थान में भी गुजरात में भी गए। गुजरात में कुछ इनकी पार्टी के लोगों ने, जो कि जो उनकी नेचर है कि किस प्रकार से डिस्टर्ब करें, पत्थरबाजी भी की मालूम आपको, तो मैं खुद गाड़ी में बैठा हुआ था राहुल जी के साथ में, पत्थर लगा वहां पे गाड़ी पर, इश्यू बना, हमारे लोगों ने धरना दिया, मुश्किल से कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। अब ये घोषणा प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं, लोग तो यहां तक कहते हैं कि रामनाथ कोई कोविंद राष्ट्रपति जी, जो रामनाथ जी कोविंद जो है
राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव हुआ, कल ही में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है। तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए, उन्होंने सलाह दी होगी मेरा समझना, रामनाथ कोविंद जी को बनाया जाति संगठन बैठाने के लिए और अडवाणी साहब छूट गए। बन्ना अडवाणी साहब को था, देश उम्मीद कर रहा था अब कम से कम अडवाणी साहब को वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, वंचित नैना भागे। वो उनकी पार्टी का फैसला मुझे उसमें मेरा व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, पर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें बातें की हुई थी कि वोटों का समीकरण बैठाने के लिए इतने घबरा हुए थे मोदी जी, और उसकी पुष्टि ऐसी होती है उसके बाद में कभी वो पानी प्लेन उतार रहे हैं, कभी मनीष सिंह अय्यर की जो टिप्पणी थी वो एक उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी व्यक्ति के लिए थी, मोदी जी खुद के लिए थी। हो सकता मैं उसे सहमत नहीं हूं कि वो जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पे टिप्पणी करी उनके खुद के लिए भी करी, हो सकता मैं सहमत नहीं हूं, मान लीजिए तब भी वो व्यक्तिगत टिप्पणी थी। क्या वो व्यक्तिगत टिप्पणी को पूरी जाति पूरी वर्ग के बता देना भावुक होना गुजरात के समाज की और गुजरात वासियों की उन्होंने बेइज्जती की है, और फिर इतना झूठ बोलना कि उनके घर पे पार्टी हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मौजूद, रिटायर्ड चीफ ऑफ द आर्मी मौजूद और पाकिस्तान के विदेश मंत्री पूर्व विदेश मंत्री मौजूद, और प्लानिंग की गई गुजरात में कैसे चुनाव कांग्रेस जीते और अहमद पटेल मुख्यमंत्री बने। क्या कोई ऐसी स्थिति 70 साल में कभी आई है देश के अंदर जब प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति को ये बातें बोलनी पड़े जिसमें कोई सच्चाई नहीं हो, सच्चाई का अंश मात्र नहीं हो जो उन्होंने बोल दिए, और मामूली मुश्किल से सरकार बन पाएगी। वो चुनाव में ना उनकी जीत हुई बीजेपी की ना कांग्रेस की हार हुई थी मेरा मानना। इस प्रकार से आप कहते हो घोषणा कर दी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो कुछ भी कर सकते। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना चाहिए कि वो किस रूप में इसको देखते हैं, वो किस रूप में देखते हैं। उनको छूट प्रधानमंत्री को भी नहीं होनी चाहिए ना मुख्यमंत्री को होनी चाहिए, है तो सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पे गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये जिन्ना का एजेंडा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि मुसलमानों को बीजेपी को वोट ना दें कटियार में, उस पर उन्होंने कहा कि जिन्ना का एजेंडा नहीं चला सकती कांग्रेस। देखिए वो कुछ बोले वो उनकी मर्जी है, अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि मोदी जी जीतते चुनाव तो सभा में ज्यादा है हिंदुस्तान पाकिस्तान में समझौते की या कश्मीर समस्या के हल की, तो ये वो उनको सूट करता है, वो उनको सूट करता है अगर उनको लगता है कि इससे हमें कंफर्टेबल रहेंगे हम तो ये उनकी सोच है। चिंता इस बात की है कि देश का जो माहौल है वो लोकतंत्र को बचाने का वक्त आ गया है। इस चुनाव को हम ये मानते हैं कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है और देश को बचाने का चुनाव है। देशवासियों में घुटन महसूस हो रही है देश पूरे मुल्क के अंदर, किसी को कम किसी को ज्यादा, किसी को कम किसी को ज्यादा। और जो मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों के बारे में तो मेरी कोई व्यक्तिगत तो मैं तो मीडिया फ्रेंडली माना जाता हूं 50 साल से राजस्थान में, तब भी मुझे कहना पड़ रहा है कि मीडिया के जो मालिक लोग हैं जो संपादक हैं जो एंकर हैं उनमें क्या बीतती होगी जब वो चाहते हुए भी सच नहीं दिखा पाते देश के अंदर। और हालत ये हो गई कि क्या क्या वो सोचते होंगे आज लोग, पर ये मैं कह सकता हूँ कि इतने दबाव में है सीबीआई इनकम टैक्स ईडी टारगेट करके एनडीटीवी पे हमला किया गया था पहले, तो बाकी लोग पहले एक हमला इसलिए किया गया एक पे जिससे कि बाकी लोग मैसेज ले लेंगे, एंकर को निकालने के लिए पीएमओ से आदेश आते हैं इसको निकाल दीजिए और निकालना पड़ता है मालिकों को। तो डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी है क्या देश के अंदर?
घनश्याम तिवारी कहते अघोषित इमरजेंसी, जो आदमी इमरजेंसी जेल गया हुआ है, 50 साल का कार्यकर्ता बचपन से रहा है, आज उसे क्या बीत रही होगी जब उसने बीजेपी छोड़ी होगी, कांग्रेस ज्वाइन की होगी, आप कल्पना कर सकते हैं क्या बीती होगी सर। 50 साल की जिंदगी बिता दे कोई आदमी जिस पार्टी में, और जिसका एक कद उस रूप का होकर मुख्यमंत्री बन सकता था, वो आदमी पार्टी छोड़े और ये कहे घोषित इमरजेंसी है, उससे उसके बाद में क्या कर सकता हूँ। तो ये स्थिति देश में बनी हुई है। अब जो इंटेलेक्चुअल है वो तो बकायदा अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, जो मैं पढ़ता हूँ आर्टिकल बकायदा खुल के लिख रहे हैं। NSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हर अखबार ने संपादकीय लिखे हैं कि हो क्या रहा देश के अंदर, ये आंकड़े वो आंकड़े जिसको आधार बना के आगे की योजना बनती डिपार्टमेंट में, उसको छिपाने की सरकार ने हिम्मत कर ली। और भी मेरे पास नोट में आपको शाम को भिजवा दूंगा, जो मैं पढ़ता हूँ वही है, मैं कोई नया तो ला नहीं सकता। तो आप बता दीजिए मुझे कि ये अगर आंकड़े छिपाने का इसलिए कि बेरोजगारी की दर जो है 2% 2.5% 6% ज्यादा हो गई, लोग क्या कहेंगे, उसको छिपाया जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी में हमेशा चिंता लगी रहती है लोग क्या कहेंगे, और इसलिए कांग्रेस के राज में लोग क्या कहेंगे के लिए चिंता करके वो सही प्राथमिक चाहते थे। ये लोग क्या कहेंगे उस भय से ये बातें छिपाते हैं, और छिपाने नहीं चाहिए।